क्या नाम हुआ आपका? फिरोज। फिरोज अहमद, तुम ऑपरेटर हो इसके फोर्थ लिफ्ट पे? ऐसा ही है ना, फोर्थ लिफ्ट के ऑपरेटर हो। तो देखो इसमें कुछ चीज जानना चाहिए, ठीक है? क्या क्या चीज जानना है? सबसे पहले तो ये जानना है कि फोर्थ लिफ्ट का पार्ट्स कौन सा है, फोर्थ लिफ्ट का पार्ट्स कौन सा है, बेसिक चीज आपको जानकारी है। ऐसे आपको थर्ड पार्टी ऑलरेडी जब ट्रेनिंग दिया होगा उस टाइम सारा इन्फॉर्मेशन आपको बताया होगा, ठीक है? तो इसमें कौन कौन सा पार्ट्स है, कौन से पार्ट्स का क्या फंक्शन है, ठीक है? और तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है सेफ प्रैक्टिस का, ठीक है? कौन सा गुड प्रैक्टिस होगा जब ऑपरेट करते हो, ये भी आपको जानना है और आपको फॉलो करना है। उसके बाद आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ये भी होगा कि जब आप सुबह में जब आप स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टाइम, तो आपका क्या क्या चीज इंस्पेक्शन करना है, क्या चेकलिस्ट फिल करना है? पानी चेक करना, ऑयल चेक करना, गियर ऑयल चेक करना। ओके, गियर ऑयल हो गया है ना, जितना भी फिल्टर हो गया, ऑयल हो गया है ना, इलेक्ट्रिकल फंक्शन हो गया है ना, मैकेनिकल फंक्शन हो गया, वो टोटल चीज चेक करते हो? वेरी गुड, वो आपको चेक कर लिया, चेकलिस्ट फिल करना है, ठीक है? चेकलिस्ट जिसमें ओके है, नॉट ओके है, नॉट एप्लीकेबल है, उसको फिल करना है। अगर बाय द वे उसमें कुछ डैमेज पाया जाता है किसको इन्फॉर्म करोगे? सेफ्टी को इन्फॉर्म करने के साथ साथ आप वहाँ मैकेनिक वर्कशॉप है उसे भी जाके वहाँ पे इन्फॉर्म करो और मेंटेनेंस के लिए बोलो, ठीक है? अगर ज्यादा कोई डेंजरस है तो ऑपरेट नहीं करो, उसको वहाँ पे स्टॉप करो, स्टैंड बाई कर दो जब तक रेक्टिफाई नहीं हो जाता है, ठीक है? अब यहाँ हम बात कर लेते हैं कुछ फंक्शन का। देखो ये फोर्क है, ठीक है? ये क्या बोलते हैं इसको, फोर्क। फोर्क मतलब उठाने के लिए, कांटा है, ठीक है? अब इसका यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ है, ठीक है? मान लिया कि 2-3 meters है लेंथ, ठीक है? तो जब कोई मटेरियल एक बॉक्स है, आप सपोज इट मान लिया ये बॉक्स है, देखो ये बॉक्स है, बहुत ही आपका इसका लेंथ कितना है 2 meters, फोर का लिफ्ट कितना है, फोर का 2.5 meters 3 meters, मतलब ये आपका आ जाएगा, ठीक है? तो जब ये मटेरियल आएगा तो इसका जो ये मास्ट है, ये देख रहे हो ना, ये मास्ट, मास्ट क्या करते हो, मैक्सिमम कोई भी ज्यादातर जो आपका फोर्थ लिफ्ट होता है 15 degrees है ना, हाँ 15 degrees तक जाता है। ऐसे जनरली जो भी ऑपरेटर होता है 5 degrees पे ही ऑपरेट कर लेता है, ठीक है? 5 degrees पे ही उसको इस तरह से करके उसको लिफ्ट कर लेता है। तो जब मास आगे करते हैं, जब मटेरियल आपका ये होता है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखना है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब हो गया कि आपका बीच में होनी चाहिए और मास से सटा हुआ होना चाहिए, समझ में आ रही बात? सटा हुआ, ये नहीं कि फोर्थ के यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है? अगर आपका मटेरियल यहाँ पे है, इसकी कैपेसिटी कितना है, 10 tons, राइट? तो इसकी कैपेसिटी पता है आपको कितनी हो जाएगी, इसकी कैपेसिटी कम हो जाएगी जब आप यहाँ से उठाते हैं, इसकी कैपेसिटी कम हो जाएगी, वो कैलकुलेशन है। हो सकता है कि अगर आप 10 टन है तो 5 टन ही उठा सकते हैं, 4 टन ही उठा सकते हैं, आपके दिमाग में है 10 टन, एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक है? हाँ वो तो आपको एक्सपीरियंस है, ठीक है? आप मगर इसका कैलकुलेशन है, इसलिए कोशिश करें जो भी मटेरियल हो बैक साइड में। एक क्वेश्चन और है आपका, जो ये 3 meters का ये आपका फोर्क है, ठीक है? आपका मटेरियल लंबाई में, ठीक है, लंबाई में आपका 4 meters है, कितना है 4 meters, तो आपको पता होनी चाहिए जब यहाँ से लेके यहाँ तक 4 meters हो गया, जब इस फोर्क से बाहर हो गया मटेरियल, तो आपका मटेरियल का वेट ज्यादा हो गया, आपके फोर्क लिफ्ट का वेट कम हो गया, ठीक है? तो जब भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी में है ना, सही पोजीशन में है, मास्क से टच है, तो वेट आपका सेफ है। अगर आपका लेंथ ज्यादा है, बड़ा साइज है ना, अनसिटेबल साइज है ना, अगर बिग साइज है जो आपका फोर्क से बाहर होता है, तो आपकी कैपेसिटी कम हो जाएगी, ये कैलकुलेशन है, हैं? ये इतना इंच डिवाइडेड बाय इतना, ये कैलकुलेशन है। आपका मटेरियल है 3000 मल्टीप्लाई कितना लेंथ है, तो हम निकल जाता है कितना वेट उठाएगा, ठीक है? कितना पाउंड, कितना केजी उठाएगा, ये इसलिए हमेशा कोशिश करो
सबसे पहले उठाने से पहले उस मटेरियल का वेट चेक करो, क्या करो, वेट चेक करो, पता करो कि वेट क्या है, उसका साइज क्या है, लेंथ क्या है, उसका रेक्टेंगुलर साइज क्या है, ठीक है। ये सब करने के बाद ही उसको लिफ्ट करो, ठीक है, उस एरिया का मुआयना करो, चेक करो ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन रुकावट तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये जो होता है ना टिप ओवर हो जाता है, टर्न ओवर हो जाता है, ठीक है। तो आपका कंट्रोलिंग जो लेफ्ट एंड राइट का है वो कंट्रोलिंग हमेशा होनी चाहिए। अगर आपका कंट्रोलिंग नहीं है उस पर, तो एक सेकेंड काफी है जो दूसरा बंदा है उसको हिट करने के लिए, है आपका सही स्पेस देखें, कहां से मटेरियल कहां तक लेके जाना है वो चेक करें, वो लेआउट को फाइंड करें कि ये एरिया हमारा एक्सेस है, जा सकते हैं, उसके बाद ही मटेरियल स्टार्ट करें, ठीक है। कभी भी मास भी मटेरियल स्लोपिंग में और अप में दोनों में केयर करना है, ठीक है, मटेरियल हैंडलिंग करने के दौरान। आपका मटेरियल का साइज आपके आईज से ऊपर नहीं होनी चाहिए, ब्लाइंड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जब ब्लाइंड स्पॉट में जा रहे हैं, जैसे यहाँ से हम जा रहे हैं लेफ्ट साइड, मुझे कुछ भी पता नहीं है, तो ब्लाइंड स्पॉट है, ब्लाइंड स्पॉट पे कभी भी फ्लैगमैन होगा प्रोटेक्शन के साथ, तभी जाके लेफ्ट जाएंगे, समझ रहे हैं ना, या फिर मिरर लगा रहेगा, देख के जाएंगे कि इधर कुछ नहीं है, तो ब्लाइंड स्पॉट में एक्सीडेंट हो जाएगा, कोई भी गाड़ी आएगा। ये सब सेफ प्रैक्टिस है। जब भी आप सीट पे जाएं, अपना सीट बेल्ट लगाएं, सीट बेल्ट पे लगाने के जब बैठे सीट पे सीट बेल्ट लगाएं, तो आप हैंडल ऐसे पकड़ के इस तरह से ना करें पोस्चर, ठीक है, आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, इस तरह से नहीं, डोंट डू दिस, है ना, कि ये पोस्चर जो है आपका वो सही होनी चाहिए, सीट पे होनी चाहिए, ठीक है। आपका आई से मटेरियल नीचे हो, अगर इन द केस आपका हाइट पे है भी थोड़ा, तो आप क्या कीजिए, कोई भी अगर सिग्नल मैंने तभी जाके मतलब वॉइस कीजिए। उसी तरीके से आपका ये लुब्रिकेशन टाइम टू टाइम मेंटेनेंस होनी चाहिए। ये चैन देख रहे हैं ना, ये मास्क का चैन, ये ज्यादा हाइट पे मास्क नहीं जाना चाहिए, जो मास्क उठाते हैं ना, ठीक है, ये फ्रेम है, ठीक है, ये फोर्क का, इसको बोलते हैं स्टील फ्रेम, और ये जब फोर्क के आपका लेफ्ट एंड राइट होता है, तो जो मटेरियल साइज का है वहां पे जाके ये लॉक, लॉक कहाँ है इसका, वेयर इज द लॉक, ये लॉक नहीं है, ये हाइड्रोलिक, ये ऑटोमेटिक होता है, हाइड्रोलिक है, आप वहां से कंट्रोल कर सकते हैं। जब एक जगह पे जाके ये फिक्स हो जाता है, ठीक है, तो फिर हिलना नहीं चाहिए, राइट, उसके बाद लुब्रिकेशन हो जाए, चैन लुब्रिकेशन हो जाए, टाइम टू टाइम मेंटेनेंस होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये जो है ना, ये जो फोर्क है, फोर्क जब जिस तरह का मटेरियल है उतना वाइड होगा, ठीक है। और एक चीज और ध्यान दीजिए हमेशा, कि कोई भी अनसेफ प्रैक्टिस इस पे नहीं कीजिए, प्ले मत कीजिए इससे, खेलिए नहीं, आदमी इस पे लोड करके ऊपर मत उठाइए, ठीक है। जब ऊपर जाता है तो सोचिए कि कम से कम 1/3 ही जाए, ज्यादा हाइट पे ना जाए, ठीक है, 1/3 ही जाए, ज्यादा हाइट पे ना जाए। जब फोर्क ऊपर चला जाता है, तो मटेरियल को आप प्लेस कीजिए वहां पे, फिर आप अपना फोर्क को नीचे कीजिए। जब पार्किंग में हो तो हमेशा जमीन में सटा के जाइए, रनिंग के दौरान में, गाड़ी रनिंग के दौरान में नीचे उतर के मटेरियल को मत देखिए, मेरी बात समझ रहे हैं ना, रनिंग है गाड़ी, आप नीचे आ रहे हैं नहीं, ठीक है, पहले ऑफ करेंगे फिर नीचे आएंगे, ठीक है सर। और जब भी कोई मटेरियल कोई सामने में इस तरह से लोड कर रहा है, तो इस तरह से लोड ना करने दें उसको, बात समझ रहे हैं ना, क्योंकि आप सिर्फ क्या करते हैं, ब्रेक पे रखे रहते हैं पैर, अगर हल्का सा ही ब्रेक ही होगा बंदे को हिट करेगा, इंजोर्ड हो जाएगा, ठीक है। MEPI का खास ख्याल रखें, मैन इक्विपमेंट इंटरफेस, आपका जो चारों तरफ का जो एरिया है वो क्लियर होनी चाहिए, कोई भी बंदा इसके बीच में नहीं आनी चाहिए, ठीक है। जितना हाइट पे ले जाना है, जितना मास्ट है उतना ही हाइट पे ले जाना है, ऐसा नहीं कि रिच के लिए ज्यादा एक्स्ट्रा हाइट के लिए और जा रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। ये सब बेसिक प्रैक्टिस है। सुबह में आपने टायर को भी चेक करना है, आपका इलेक्ट्रिकल फंक्शन भी चेक करना है, चेकलिस्ट फिल करना है, गियर क्लच जाके चेक करवाना है, मेंटेनेंस टाइम टू टाइम हर 20 डेज 30 डेज पे जाके वर्कशॉप में चेक करवाना है, समझ रहे हो बात। इसलिए अनसेफ प्रैक्टिस बहुत ही खतरनाक होता है, ये प्ले के लिए नहीं है, बहुत लोग प्ले करता है, देखते हो सडनली ये मूव करता है, प्ले नहीं करना है इससे, ठीक है। और ये आपको पता होनी चाहिए कि मास्ट कितना उठाना है, कितना डाउन करना है, कौन सा मटेरियल कितना साइज का है, कितना वेट है, ये सारा चीज आपको पता होना चाहिए, कहाँ स्लोप पे और अप पे किस तरह से लेके जाएंगे। मटेरियल का साइज अगर बड़ा हो जाता है तो
तो वेट उसका कम हो जाता है, इसकी कैपेसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। इसकी थर्ड पार्टी होनी चाहिए इंस्पेक्शन, आपका कार्ड होनी चाहिए, ठीक है। आप अगर कोई भी ऐसा आपको लगता है कि अनसेफ कंडीशन है यहाँ पे अराउंड, कोई कंडीशन सही नहीं है, सेफ नहीं है, तो आप अपने सुपरवाइजर को बतावेंगे, ठीक है। इवन सेफ्टी को भी बताएं, जो भी यहाँ पे सेफ्टी ऑफिसर है, ठीक है। ये बेसिक सेफ्टी रूल्स है, बेसिक, ठीक है। इसको अगर फॉलो कीजिएगा तो एक्सीडेंट होने का चांसेस इससे कम हो जाएगा, ठीक है। कभी भी ये रैप करके कोई मटेरियल इस तरह से लेके ना जाए, हमेशा फोर्थ पे रहे हैं और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का ध्यान दे, कोशिश करें हमेशा इधर रहे, ठीक है। चलें, ओके, थैंक यू। और हम नेक्स्ट टाइम से हम जब भी आवेंगे तो हम आपको ऑब्जर्व करेंगे कि आप सेफली इसको ऑपरेट कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है।